अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? तो मैं तैयार हो गई हूँ और आज कहीं और नहीं जाना, आज हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और लेट हो गई, तो हम निकलते हैं जल्दी से, ठीक है? और इसमें सारा एजल का सामान है। चले बाय। तो हम हॉस्पिटल आ गए हैं, वही हॉस्पिटल है जहाँ पे एजल पैदा हुई थी। हेलो राज, तो चले अंदर जाते हैं। अच्छा, तो चेकअप हमारा हो गया, टाइम हो रहा है 1:39। तो अभी जल्दी से घर जाते हैं और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है अभी। सो घर जाकर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। तो हम घर आ गए, टाइम देखें आप 2:18। जो अम्मी की कॉल आ रही है, चलिए मैं बात करती हूँ, फिर आपसे एक बात शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो हॉस्पिटल से वापस आकर मेरे रिजल्ट्स हो गए थे और मैं अभी उठी हूँ। अभी कोई तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और ये मेरा लंच है, लोबिया और साथ में चावल पानी। तो मैं लंच करती हूँ, फिर मैं आपसे आगे की रूटीन शेयर करती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अभी मैं रात की चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, इसको एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी मैं। तो मैं चीज़ें दिखा देती हूँ, इसमें मैं डालूँगी गार्लिक पेस्ट और नमक, टिक्का मसाला नेशनल का, और तंदूरी मसाला और विनेगर, और इसमें दही भी डालेगा। अब हस्बैंड आएंगे तो दही ले आएंगे, हम ग्रोसरी करने जाएंगे तो मैं दही ले आऊँगी, फिर इसमें मिला दूँगी, दही मस्ट है। तो चले मैं मैरिनेट करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और लेमन भी डलता है इसमें, बट मेरे पास लेमन नहीं है तो इसलिए विनेगर डाल रही हूँ, ठीक है? तो बाकी शॉपिंग हमारी हो गई। अब लुलू आए हैं, ये मेरे हस्बैंड के कुलीग है, उनका बेटा हुआ है, उनके लिए गिफ्ट ले रहे हैं। और ये एजल के लिए हाई चेयर। अच्छा, तो हमारी ग्रोसरी हो गई, वो मैं आपको घर जाकर दिखा दूंगी। अभी एजल सोई हुई आराम से बोल रही हूँ। और अभी हम आए हैं चप्पन भोग, वो जो सामने लिखा हुआ है चप्पन भोग, गोलगप्पे खाने। तो चलिए उधर जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनके गोलगप्पे। ये है चप्पन भोग, इंडियन रेस्टोरेंट है, और इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। तो अच्छा, तो ये मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, ये ग्रोसरी जो हमने की है। तो ये मेरे हस्बैंड की कुलीग है, उनका बेटा हुआ है माशाल्लाह से, तो उनके लिए गिफ्ट्स लिए हैं। एक ये 2 पीस, और ये पिलो सेट है, और ये है, और उसके अलावा मैंने लिया है एजल के लिए बाथरोब, क्यूट है, थोड़ा सा बड़ा है बट मैंने जानबूझकर बड़ा लिया है क्योंकि विंटर्स है, बट विंटर्स है इसीलिए बस इसमें चुपी भी होगी नहाने के बाद, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का है। तो ये लिए है, उसके बाद योगर्ट, ये मिल्क, ये लहसुन सॉरी लबन, ये चिली सॉस, ये कुछ चॉकलेट्स लिए, स्निकर्स और ट्विक्स, ये मेरे फेवरेट जूसेस, एग्स, चिकन, दाल, और ये है धनिया, पोटैटोस, टोमेटोस, लेमन, खीरा, इसको क्या मैरोज, ये 2 एप्पल लिए, पता नहीं कौन से मुल्क के हैं, एप्पल कैसा बेल पता नहीं, किसी और कंट्री के थे, हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। भिंडी, और ये क्या है, ये मिर्चें हैं, और ये ग्रीन अनियन। तो ये सारी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग है, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एजल के लिए हमने हाई चेयर ली है, और इसकी पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है? तो चलिए, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग थी, अब मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? ओ हाँ, ये भी मैंने लिए हैं चिप्स ओमान, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इनको मैं अपनी जगह पे रखती हूँ। चिकन में ये योगर्ट डालती हूँ, क्योंकि योगर्ट था नहीं, मैंने डाला नहीं था, अभी डालती हूँ, और ये चीज़ें भी साइड पे करती हूँ, ठीक है? मैंने चिकन मैरिनेट किया था, उसमें दही, पीछे एजल चीख रही है, उसकी आदत है, दही और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं ये दरवाज़ा बंद करती हूँ पहले।
सो अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन। तो इसको मैं ऐसा करूँगी ना, पहले इस देग में पानी वानी डालूंगी, ऐसे ही इसको थोड़ा सा स्टीम कर लूंगी। ये भी चला गया, और ऊपर से थोड़ा सा अनियन काट के डाल देती हूँ। ठीक है, ये चिकन है, ऊपर से मैंने गोल गोल प्याज काट दिया। अब इसको ढक्कन लगा कर स्लो फ्लेम पे रख देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ठीक है, और तब तक मैं वेजेस मैरिनेट कर लेती हूँ। ये पोटैटोस मैंने ऐसे काट लिया है लंबा लंबा, तो इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर थोड़ा सा, जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल दें। चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और कोई सभी कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। बस अब इसको एयर फ्रायर में 15 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एयर फ्रायर में डालती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया, मेरे हाथ देखिए साफ थे। इधर मैं नीचे फॉइल रख देती हूँ, फिर ये ज़्यादा गंदा नहीं होता एयर फ्रायर। ये जो फ्रोजन फ्राइज होते हैं वो, और ये आलू। अब इसको 15 मिनट्स के लिए ऑन कर लेते हैं, 17 सही है। तो जब तक ये बनते हैं तब तक हमारा चिकन भी बन जाएगा। ये अपने पानी में थोड़ा सा गल जाएगा। ठीक है, तो खाना हमारा रेडी हो गया। ये वेजेज है और बहुत मज़े के बने, और ये साथ में चिकन। तो हम खाना खाते हैं, व्लॉग को एंड करती हूँ। और बहुत सारी बातें मैंने शेयर करनी है, मैंने लाइव आना है बट टाइम नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं व्लॉग एंड करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।